ध्यान रखा है तो हमारे 300 दिन ठीक जाएंगे। मैं डायरेक्ट आपके खेत में पौधा लगाने वाली अवस्था पे जा रहा हूं। शुरुआत के जो 30 दिन है अगर इसे हमने परफेक्ट किया तो प्लांटेशन करने के बाद हार्वेस्टिंग तक के जो 300 दिन आएंगे ये एक्यूरेट रहेंगे। अगर यहां गड़बड़ है तो यहां भी गड़बड़ होगी। अभी तक हम कैसा लगा रहे हैं केला आप थोड़ा बताओगे तो उसमें क्या चेंज करें, मतलब जमीन की तैयारी कैसे करते हैं? रोटावेटर, जमीन भुरभुरी करते हैं, गोबर खाद भी डालते होंगे पहले, रोटावेटर के पहले गोबर खाद, और वो कल्टी वल्टी करते हैं कि पल्टी पलो या कल्टीवेटर पल्टी मारते हैं, तो उसके पहले गोबर डालते हैं फिर पल्टी मारते हैं फिर रोटर चलाते हैं। पहले गोबर डालते हैं फिर कल्टीवेटर करते हैं, फिर पहले गोबर कल्टीवेटर फिर रोटा, बाद में प्लांटेशन के बाद में भी डालते हैं कुछ कुछ, प्लांटेशन के बाद में कोई बात में डालते हैं। इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है और होना क्या चाहिए मैं जस्ट उस पर बात करूंगा। होना क्या चाहिए, गहरी जुताई सबसे पहला कांसेप्ट है। केला अगर लगाना है तो नंबर एक पे है गहरी जुताई। गहरी जुताई में कल्टीवेटर नहीं आता है, पल्टी पलो आता है। आपको केला लगाना है तो थंब रूल क्या हो गया, पहला प्लांटेशन करना है तो पल्टी पलो करना है ताकि वो 9 इंच से 12 इंच तक का अल्टी पल्टी कर रहे, उसके नीचे एक कंघी आती है 3 इंच की, 10 इंच की तो मिट्टी पलटता है और 3 इंच फोड़ते जाता है, मतलब कुल मिलाकर के 13 इंच का वो हिला देता है नीचे मॉइस्चर को। और केले का जो पौधा है उसका जो गुदा है वो 8 इंच तक मैक्सिमम अच्छे से भोजन लेता है, ऊपर सरफेस से 8 इंच तक, 6 इंच तक तो बेस्ट लेता है, इसके ऊपर फिर 8 इंच फिर नीचे से कुछ भी पड़ा रहे उसको कुछ नहीं लेना है, वो पड़ा रहेगा फिर वो नीचे नीचे जाएगा। और चौड़ाई में कितना लेता है, चौड़ाई में लेता है 13 से 15-18 इंच, गहराई में 6 इंच, चौड़ाई में 1.5 फीट, आखिरी 2 फीट कुछ कुछ मूलियां बचेगी, जो 6 इंच आखिरी बचता है उसके अंदर अंदर। तो हमें क्या करना है, पहले गोबर खाद नहीं डालना है, शुरुआत में क्या करना है पल्टी पलो कर दो, क्योंकि गोबर खाद पहले डाल दिया और फिर पल्टी पलो किया तो वो चले गया नीचे, नीचे चले गया फिर हमने रोटा किया तो ऊपर नहीं आता है, और जब बारिश आई तो उसका रसा फिर नीचे, हमें चाहिए ऊपर, तो पहले पल्टी पलो उसके बाद उस पर पाटा घुमाना है ताकि वो 1 महीने बाद, हमें जब भी केला लगाना है उसके 1 महीने पहले पल्टी पलो, फिर 1 महीने 30 दिन तक उसकी हवा को अंदर बाहर होने दो, और अगर धूप खिला सको तो बहुत ही बढ़िया। जैसे हमें जून में लगाना है तो आप 15 अप्रैल को पल्टी पलो कर दो ताकि 15 मई तक 1 महीने उसकी सफोकेशन पूरा बाहर हो जाए, ढेपों को जो डल होना है वो हो जाए, उसके बाद फिर लकड़ का पाटा घुमा दो ताकि जो बड़े ढेपे हैं वो स्लोप में आ जाए, ठीक है। उसके बाद में गोबर खाद फिर रोटा और फिर बेड बनाने की तैयारी, पहले गहरी जुताई फिर गोबर पाटा फिर गोबर फिर रोटावेटर। रोटावेटर के पहले गोबर इसलिए कि वो 6 इंच में हट्टी पट्टी हो जाएगा, रोटावेटर आपका 6 इंच से ज्यादा नहीं जाता है, वो जस्ट ऊपर के ढेपे को स्लिप करने के लिए रहता है कि साइज बड़े से छोटा हो जाए और 6 इंच में हट्टी पट्टी हो जाए, ठीक है। इसमें गोबर के साथ कुछ ध्यान रखना है, क्या डालना चाहिए, आप लोग क्या डालते हो बेसल में? फास्फेट डालते हो? एसएसटी वही डालते हैं, जिप्सम और एसएसटी। हाँ, जिप्सम का उपयोग करना पड़ेगा, हम लोग जहाँ पर हैं यहाँ काली मिट्टी है, है ना, है ना, काली भी है वही भी है, हम लोग जहाँ पर हैं यहाँ काली मिट्टी है हमारे पास। हाँ। काली मिट्टी में पानी पकड़ने की क्षमता ज्यादा रहती है। बोरिंग का पानी कितने फीट? 200-250 फीट। बोरिंग के पानी में टीडीएस ज्यादा आता है, 100 फीट के बाद में बढ़ने लग जाता है टीडीएस। टीडीएस समझते हैं हम लोग, टोटल डिसॉल्व सॉल्ट, पानी के अंदर नमक की मात्रा खनिज तत्वों की मात्रा कितनी है उसको बोलते हैं टीडीएस। आप लोगों को पता है यहाँ का टीडीएस क्या है?
कितना होगा? 550 प्लस वही के ऊपर कितना? 600 के ऊपर, 600 के ऊपर लगभग टोटल एक लीटर पानी में 1500 ग्राम 150 ग्राम के लगभग घुलता है। एक 100 लीटर में 15 किलो तक घुल जाता है कोई भी मटेरियल, इसको बोलते हैं TDS। एक मतलब इसका रेशियो है 1500 अगर हो गया तो मतलब अब इससे ज्यादा उस पानी में कुछ नहीं घुलेगा, ऑलरेडी 1500 घुला पड़ा है, उसको रिलीज करना पड़ेगा तो दूसरी चीज घुलेगी। ठीक है, 600 अगर हो गया तो इसमें अभी 700 ग्राम घुलने की क्षमता है। एक लीटर पानी में 700 ग्राम और कुछ घुल सकता है, इतनी क्षमता है, इससे ज्यादा नहीं, मतलब आधा TDS पैक हो गया। दूसरा, जब आप पानी चलाते होंगे तो सफेद सफेद छार दिखती होगी ऊपर आती ना, वो सॉल्ट की है, वो TDS की और pH बढ़ने का संकेत है। हर साल pH बढ़ रहा है उसका संकेत है। तो इन दोनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट क्या आएगा? जिप्सम। अगर कोई किसान जिप्सम का उपयोग नहीं कर रहा है तो आज से करना चालू करो। ठीक है, जिप्सम का मोटा रीजन है उसके अंदर कैल्शियम होता है और सल्फेट होता है। अगर आपकी जमीन का पीएच कम है तो कैल्शियम पीएच को बढ़ाएगा, अगर आपकी जमीन का पीएच ज्यादा है तो सल्फेट पीएच को कम करेगा। जिप्सम का दूसरा नाम है भू सुधारक, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में साइंस में उसको कहा है भू सुधारक। ये किसी खाद की श्रेणी में नहीं आता, बहुत सारे किसान मित्र इसको खाद समझते हैं, फर्टिलाइजर समझते हैं, ये आता ही नहीं। ये खदानों की मिट्टी है, ऐसी खदानों की मिट्टी जहां सल्फेट और कैल्शियम की मात्रा है वो जिप्सम की श्रेणी में आती है। सिंपल, ये किसी खाद का रूप DAP यूरिया पोटास नहीं। ओके, हमें क्या करना है, 1000 पौधे जहां लग रहे हैं वहां पर लगभग 3 ट्रॉली गोबर और 3 टन जिप्सम, 1000 पौधे। अगर हमारा पीएच ठीक है तो 1 एकड़ पे चले जाओ, 1500 पौधे पे हो जाएगा। ठीक है, अगर पीएच हमारा 6.5 से 7 है, 6.5 से 7 है तो कम से कम 1.5 ट्राली गोबर और 1.5 टन जिप्सम आइडियल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अभी आपके सभी के खेतों का पीएच टेस्ट कराऊंगा तो 7.5 के ऊपर आएगा, 7.5 से 8.5 के बीच में कहीं ना कहीं 8.8 ऐसा ही आएगा, क्योंकि हम जो फर्टिगेशन कर रहे हैं वो फिक्सेशन होते जा रहा है। तो हमें क्या करना है, 1000 पौधे पे 2 से 3 ट्राली गोबर और 2 से 3 टन जिप्सम मिक्स करना है, डालने से पहले मिक्स करना है और मिक्स किया हुआ खेत पे फैलाना है। ठीक है, अगर इसको हम प्रोसेस करके डालें तो बहुत अच्छा, जैसे हमने पल्टी प्लो किया उस समय हम खेत की मेड़ पर गोबर लाकर बिछा दो, उसके ऊपर जिप्सम बिछा दो और एक ट्राली में 100 ग्राम सुक्रोज और 5 किलो गुड़ पानी के साथ मिला करके उसको खेत पे डाल दो, फिर जिप्सम डाल दो, 1 महीने हमारा प्लॉट इधर धूप खाएगा और 1 महीने में ये अच्छा पक के तैयार हो जाएगा। सिंपल सर, गोबर पहले डालने की बजाय मेड़ पे डाल दो, 1 ट्राली पे 1 टन जिप्सम, 100 ग्राम सुक्रोज, 5 किलो गुड़ पानी में मिला करके गुड़ और सुक्रोज उस पर फैला दो, उसको पत्तियों से ढक दो कचरे से, बस रहने दो। सुक्रोज बैक्टीरिया नहीं है, सुक्रोज गन्ने के रस से बनाया फर्मेंटेशन किया हुआ एक पदार्थ है जिसका नाम सुक्रोज है। सुक्रोज हर टिश्यू कल्चर कंपनियां लैब के अंदर बोतल में सुक्रोज रखती है, उसी में पौधा रखती है और उससे पौधा तैयार होता है। सुक्रोज केले के पौधे का मदर भोजन है, इसलिए सुक्रोज। सुक्रोज हर बैक्टीरिया का मदर भोजन है, TSB, KSB, राइजोबियम, एसिटोबैक्टर इसका मदर फूड है, इसलिए सुक्रोज। गुड़ में भी कुछ मात्रा में आता है, लेकिन आपने 5 किलो गुड़ में अगर 100 ग्राम सुक्रोज मिला दिया तो इसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये आपका जो 1 ट्रॉली गोबर है इसको कन्वर्जन में बहुत मदद करेगा।
हमें करना क्या है, मित्र बैक्टीरिया बढ़ाना है, शत्रु बैक्टीरिया कम करना है। तो करोगे कैसे, मित्र बैक्टीरिया का भोजन दिया और शत्रु बैक्टीरिया का भोजन नहीं दिया तो मित्र बैक्टीरिया ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। टीएसबी केएसबी राइजोबियम एसिटोबैक्टर, इनका भोजन गुड़ और सुक्रोज। ठीक, साइंस समझ में आया। एक ट्राली में एक टन जिप्सम, 100 ग्राम सुक्रोज, 5 किलो गुड़ पहले से मिला के रख दो। जब पल्टी प्लाव करने के बाद हम पाटा घुमाते हैं, उसके बाद खेत में फैला दो, फिर रोटा करना है, फिर हमें नाली करना है। ओके, लैंड प्रिपरेशन समझ में आ गया, जमीन की तैयारी कैसे करना, ये पार्ट था जमीन की तैयारी। अगला पार्ट आएगा प्लांटेशन, कट करके।